भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक जानदार रहा है और भारतीय टीम ने 225 रनों का विशाल लक्ष्य अंग्रेजों को दिया है। इंग्लिश टीम हालांकि कोशिश कर रही है, डेविड मलान और जॉस बटलर ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया है। हालांकि जेसन रॉय की विकेट टीम इंडिया को जरूर मिली स्टार्टिंग में ही, लेकिन उसके बाद इन्होंने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऐसे में आपको बता दें कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो रहा विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी। दोनों के बीच कितने भी दिन रिफ्ट्स की खबरें जरूर आ रही हों, लेकिन जब बात टीम की आती है तो ये दोनों हो जाते हैं एक, और ये दोनों बताते हैं कि किस तरीके से पारी को आगे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा को कप्तानी के लिए विराट कोहली ने बुलाया। विराट ने रोहित से कहा कि रोहित भाई तुम कप्तानी करो, मैं इस मुकाबले को आगे लेकर जाना चाहता हूं और इस मुकाबले में जीतना चाहता हूं। कुछ उसी अंदाज में विराट ने रोहित को चुपचाप कप्तानी संभाल दी और रोहित ने कप्तानी का मोर्चा संभालते हुए पहली गेंद पर भारत को विकेट दिला दिया भुवनेश्वर कुमार को लगा के। शायद यही वजह है कि विराट कोहली ने रोहित को कहा कि आप कप्तानी कीजिए, यही अभी तक समय है और आप कप्तानी करके भारत को जीत दिलाइए। यही वजह है कि दोनों के तरीके से भारतीय टीम आज शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है या नहीं, लेकिन दोनों के बीच जो रिफ्ट्स की खबरें थी उन पर इन्होंने विराम लगा दिया है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।